अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। दोस्तों आज 8 नवंबर 2024 और जुमातुल मुबारक का खास दिन, क्योंकि जुमा वाले दिन अमूमन हर मुसलमान के दिल में ये ज़रूर तहरीक पैदा होती है कि उसको जितना मौका मिले वो दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े। कई बार इसका ज़िक्र हो चुका कि जुमा वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की कितनी फजीलत है, क्या फ़वाद हैं। जो लोग इसे फ़ायदा उठा लेते हैं वो तर जाते हैं, और जो इसको समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही चलते रहते हैं जैसे नॉर्मल। आपने दो दोस्त कबल देखा कि पूरी दुनिया की नज़रें एक जगह पे जमी हुई थी, और वो थे अमेरिका के इंतखाबात हो गए। उससे पहले आपने डिबेट्स भी सुनी, लेकिन एक चीज़ बड़ी जो हैरानकुन है, ये जो सदर ट्रंप, जिनको बहुत अक्सरियत के साथ वहाँ जीतने का मौका मिला, उसके बाद जो उनकी तकारीर सुनी, या तो उस मुल्क का ये कल्चर है हम आती नहीं है इसके, और या फिर वाकई उनके अंदर वो क्या कहते हैं मगरूरपन, गरूर नज़र आना, ये एक अमेरिकन्स, आम अमेरिकन भी आप बात करें आम तौर पे, वो उनके दिलों में एक चीज़ ये बैठी रहती है कि वो दुनिया के हुक्मरान हैं। वो जिस तरह एक पाकिस्तान में आपने कल्चर देखा, जो एक चौधरी होता है उसकी उसकी गर्दन में एक ऑटोमेटिक एक सरिया सा होता है, यानी उसने बात जो भी बात करनी है वो नेचुरली तौर पे पैदाइशी तौर पे वो इस तरह के, जैसे वो उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो इंसान नहीं हैं। अब ये जो तकरीर बाद में आ रही हैं, ये की चीज़ मेरी मतलब नज़र से गुजरी, हो सकता है कि ये सिर्फ मेरी ही फीलिंग हो, कि जिस तरह से उसने साबका नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट की तहकीर की गुफ्तगू के दौरान, कि उसने बिल्कुल इतनी देर में कुछ नहीं किया और यू आर फायर्ड, उसने बार बार जिस अंदाज में कहा कि फिर धन कि जिस तरह के इंसान कहता है ना पंजाबी, दफा हो जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, इस अंदाज में जो मैंने जो देखा है बड़ा हैरानगी हुई कि एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान इस सेंस में, को एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया का जो निज़ाम है या पूरी जो इंसान जिंदा है वो उनको तहस नहस कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो जो पड़े हुए हैं इतने ज़्यादा हथियार या ये वो, तो उसकी जो ज़बान जो गुफ्तगू है बड़ी हैरानकुन। अब पता नहीं उनका ये मजाज है, रूटीन में वो बातें इस तरह ही करते हैं, क्योंकि अमेरिका में किसी भी जॉब को एक बॉस जो है वो एक सेकंड के अंदर निकाल बार करता है किसी भी वर्कर को, और उसको कहते हैं अपना सामान उठा लो और इधर को दे, हो सकता है ये इस वजह से है। बहरहाल अल्लाह ताला उसको इस ताकत को सही रंग में इस्तेमाल करने की तौफीक दे, क्योंकि ये तौफीक भी अल्लाह ने देनी है कि आया उसको जो ताकत मिली है वो मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती है, आया उसको रुकवा सकता है कि नहीं रुकवा सकता, जो खून बह रहा है इतना दुनिया में और एक दूसरे के साथ ज्यादतियाँ, आया वो अपनी ताकत इस रंग में इस्तेमाल करेगा कि ज्यादतियाँ रुक जाएं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर जी। माशाल्लाह आज जुमातुल मुबारक,
और सुबह फजर की नमाज के बाद, क्योंकि जुमे वाले दिन दरस नहीं होता तो थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा होता है शहर के। लेकिन आज देखें क्या इत्तेफाक हुआ कि एक दोस्त जो है उन्होंने कहा जी मैंने इन दोस्तों के लिए जो सुबह नमाज पे आए हुए हैं गाजर का हलवा तैयार किया है स्पेशल, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे दोस्त 10-12 जो रुके हुए थे, बस तो निकल जाते हैं नमाज पढ़ के जल्दी जिन्होंने काम पे जाना होता है, वो फिर बैठ के उन्होंने उनका गाजर का हलवा जो उन्होंने तैयार किया हुआ था उसके साथ नाश्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि जो है किया ज़बरदस्त किस्म का साथ उन्होंने फिर वो दूध का जो हलवे के लिए तैयार करते हैं ऊपर डालने के लिए वो भी, और चाय साथ, ये मंजर भी आपने देख लिया है। उसके बाद हमारी सैर जो है थोड़ी अच्छी लाइट में, क्योंकि काफ़ी इस दौरान लाइट बढ़ गई और ये ग्रुप भी छोटा हो गया। बाकी कुछ दोस्तों ने कहा जी जुमे वाले दिन हम छुट्टी करेंगे, तो बाकी जिन दोस्त हिम्मत किया वो कुछ आधी सैर जो है आज इंशाल्लाह। बाकी ये गपशप ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵਾਰੀ।